रिस्पेक्ट तथा आत्मसम्मान के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपना आत्मसम्मान लोग करते नहीं है, मतलब अपना सम्मान लोग करते नहीं है, या हम हमारा आत्मसम्मान नहीं करते, या कभी कभी हमको मतलब बहुत ही गायबीता समझते हैं, या लोग हमारा इंसल्ट कर देते हैं और फिर हमको बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद का सम्मान मैंने ही करना चाहिए, खुद का सम्मान मुझे होना चाहिए। तो मेरा सम्मान यदि होना है, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब लोगों ने मुझे मानना चाहिए, लोगों ने मेरा सम्मान करना चाहिए, तो फिर ये सीधी बात बनती है कि भाई मैंने भी लोगों का सम्मान करना चाहिए। जैसा मैं लोगों से बर्ताव करूंगा वैसे ही लोग मेरे से बर्ताव करेंगे। रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्चुअली रिस्पेक्ट का मीनिंग होता है फेयरनेस, फेयर, फेयर होना, मतलब हर व्यक्ति से मैंने फेयरनेस से व्यवहार करना चाहिए। और इसका ही मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति से मैंने ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो मेरे बराबरी का इक्वल है, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है। कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO है, और दूसरा एक वहीं ऑर्गेनाइजेशन में प्यून है, मगर दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऐसा नहीं कि वो CEO है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ी पोस्ट पे है, तो वो कुछ भी कह दे प्यून को और उसके साथ में कैसा भी बर्ताव करे, तो ऐसा नहीं संभव। ऐसा नहीं है कि एक पुरुष जो है घर का वो काम कर रहा है, पैसे कमा के ला रहा है, और घर में स्त्री है वो घर का सब देख रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो छोटी है, वो कोई कम है, और जो कमा रहा है वो बड़ा है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। अरे घर की स्त्री भी घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, घर का खाना पका रही है, सब देखभाल कर रही है, इसका मतलब वो उतना ही उसका रोल महत्व का है जितना कि जो कमा के लाता है। अच्छा, फिर कमा के लाने वाला कम महत्व का है? नहीं, कमा के लाने वाला भी महत्व का है ही, क्योंकि यदि वो लाएंगा नहीं तो घर में खाएंगे क्या, मतलब घर कैसे चलेगा। दोनों का भी इक्वल लेवल है, वो ऐसा नहीं है कि दोनों का नहीं है। हम पनिशमेंट करते हैं किसी को, तो पनिशमेंट के समय ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई मैं पनिश करता हूँ तो उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको तुड़वा के मैंने नहीं करना चाहिए पनिशमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख कर, मतलब जब आप उसको कोई पनिशमेंट देते, एक जूनियर है उसको आप पनिश कर रहे, या बच्चे को पनिश कर रहे, तो उसको तू गधा है, तुझे पता नहीं है, तुझको अक्ल नहीं है, ऐसा बोल के हम पनिश कर रहे हैं, तो उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। हाँ ठीक है, गलती की हुई है, और गलती जो की हुई है उसके लिए पहले ही रूल्स रेगुलेशन है कि आपने कौन सी गलती किया तो उसके लिए क्या दंड है या क्या सजा उसके लिए है, तो उतनी सजा देना है, मगर रिस्पेक्टफुली करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, उनका सम्मान रखते नहीं है क्योंकि वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, मगर उसका आत्मसम्मान बहुत कम हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो उसके बाप को, उसके पिताजी को सम्मान देता नहीं है, मानता नहीं है, उनकी कोई परवाह करता नहीं है, और वो दोस्तों की मानता है। और हमारे पास में पेरेंट्स आते हैं कि देखो हमारा बच्चा हमारी मानता नहीं है, दोस्तों की मानता है, क्योंकि आपने अपनी कीमत कम कर दी है, आपने उसके गलतियों का इतना बड़ा एहसास उसको कर दिया कि उसको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं बहुत ही गायबीता हूँ, मुझे यहाँ कोई कीमत ही नहीं है। लोग शादी करते हैं तो उस समय भी लोग बिक जाते हैं। एक जन बोल रहा था कि हाँ मुझे है ना दहेज में मर्सिडीज कार मिली। अरे मर्सिडीज कार मिली बोले तो क्या, 60 लाख की कार लाया, मर्सिडीज कार दिया लड़की के बाप ने, और शादी भी बहुत धूमधाम से किया, कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्चा और किया होगा शादी में, मगर ये लड़का जो है वो 60 लाख में बिक गया। अभी वो लड़की शादी करके जब आएंगे तो बोलेंगे कि ज्यादा मत बोलो, मेरे पिताजी ने आपको 60 लाख रुपए की कार दी हुई है, तो उसका क्या संबंध रहेगा। तो सवाल ये आता है कि लोग अपने आत्मसम्मान के लिए खुद बिक जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा सम्मान कोई करता नहीं है। समझो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको मालूम है कि अपन सही है, और आपका बॉस बार 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 आपको गलती का एहसास दिला के उल्टा पुल्टा बोल रहा है, मालूम है गलती नहीं, तभी भी कुछ तो भी कारण निकालेंगे, उल्टा पुल्टा बोल देंगे, तो फिर आपको स्टैंड लेने की जरूरत होगी। एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये नहीं चलेगा, आप जो बोल रहे हैं मुझे, आप जो मेरी इज्जत निकाल रहे हैं, आप मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, या मुझे जो भला बुरा बोल रहे हैं, तो मुझे मत बोलो, काम ठीक नहीं है, ठीक है मैं सुधार लूंगा, काम ठीक कर लूंगा, मगर इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टैंड लेके क्लियर कट बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि नहीं चलेगा है। और ये तभी भी वो बॉस करता होगा तो आपको हो सकता है कि आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, मगर आप वैसा टॉलरेट नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं, टॉलरेट करते रहते हैं। आप में जो दम है कि मैं लात मार के वहां से निकल जाऊंगा और मैं और कहीं नौकरी मिला सकता हूं, तो डेफिनेटली आप टॉलरेट नहीं करेंगे। आप यदि टॉलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ही ऐसा होता है कि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको वहां से निकाल दिया तो आप कहीं अपना खुद का पालन पोषण कर सकेंगे, नहीं, आपको डाउट है, और इसलिए फिर आप बोलते चलो भाई जितना पैसा मिल रहा है उतना मिल रहा है, जो अपमान कर रहा है वो अपमान कर रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, यहीं रहो, और फिर चिल्लाते रहो कि भाई बॉस हमारा इंसल्ट कर रहा है। आप जब लोगों से आत्मसम्मान मांग रहे हो या लोगों को पूछ रहे हो कि कैसा किया मैंने, ठीक किया ना, आपको कैसा लग रहा है, मतलब लोगों को आप वैलिडेट करने के लिए बोल रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है
या आपका होना जो है, केवल लोगों को वैलिडेट करने के लिए बोले, मतलब चाबी आप लोगों के हाथ में दे रहे, लोगों ने अच्छा बोला तो आपको अच्छा लगेगा, लोगों ने बुरा बोलना तो बुरा, लोगों ने बोले नहीं ये ठीक नहीं है तो आप लगे छोड़ देंगे, मतलब इस तरह का हो जाएगा वो, तो ऐसा नहीं है। एक तो क्या है कि आपने लोगों को पूछने नहीं चाहिए, और पूछते हैं तो एक तरह है पूछने की, समझे, आप किसको पूछते कि भाई आपका ओपिनियन क्या है बताओ और मैंने क्या करना चाहिए, अब वो कुछ बोलेगा और आपको मानना नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप उसको सलाह पूछ रहे और सलाह तो मान नहीं रहे, फिर क्या बोलेंगे आप तो मेरे को सलाह पूछते मगर सलाह तो मानते नहीं है, फिर फ़ायदा क्या बोलने का। तो आपने कभी भी किसी को कुछ पूछना है तो उनको ये नहीं बोलना है कि आप सलाह दो, आपने बोलना है कि ऐसा ऐसा टॉपिक है मैं आपके साथ में उसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ, चर्चा करेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स जान लेंगे, ताकि फिर आपको वो बंधन नहीं कि नहीं उसका सलाह मानना है, और फिर उसको बुरा लगेगा नहीं, उसका भी रिस्पेक्ट रहेगा, अपना भी रिस्पेक्ट रहेगा। क्या है, वैसे भी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप माँ बाप के साथ में रहो, पत्नी के साथ में रहो, भाई भाई के रहो, स्टाफ के साथ में रहो, रिलेशनशिप जो है वो उसका बेस ही ऐसा है कि वो बिगड़ने वाली है, मतलब फंडामेंटली। कैसा बिगड़ने वाली कैसी है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसके साथ में रिश्ता रखते हो, आदान प्रदान हो रहा है, हर एक का अपना अपना विचार है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विचार जैसा सामने वाले ने बर्ताव करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। अब होता क्या है कि उसको भी यही लगता है कि मेरे विचार जैसा उसने करना चाहिए, इसका मतलब ये ऐसी कि हर एक की अपनी अपनी अपेक्षा होती रहती है, और उसको लगता है कि मेरी अपेक्षा मुताबिक उसने करना चाहिए, और वो नहीं किया, और वो करेगा ही नहीं, आदमी क्यों करेगा भाई, नहीं किया तो उसको बुरा लगता है, संबंध खराब हो जाते हैं। तो इसका ये अर्थ हो जाता है कि भाई ठीक है, रिश्तों में हरदम आपने बस सुनना है लोगों को, और समझो किसी की कुछ अपेक्षा है तो पहले बोल देना है कि भाई मैं ये करने वाला नहीं हूँ, नम्रता से पहले बोल देना कि हो सकता है कि आपकी ऐसी अपेक्षा है मगर मैं करने वाला नहीं हूँ। तो आप जब पहले बोल देंगे तो वो अपेक्षा में रहेगा नहीं, और बाद में अपसेट का काम पड़ेगा नहीं, क्योंकि अपसेट आ गया कि फिर आत्मसम्मान फिर धज्जा उड़ गया आत्मसम्मान का। एक्चुअली आपको क्या चाहिए, जैसा उसको क्या चाहिए वो आपने बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा या करूँगा तो अपसेट नहीं होगा उसका, वैसे आपको क्या चाहिए ये आपने सामने वाले को बोल दिया, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको चाहिए क्या वो महत्व का है, और वो आप कम्युनिकेट करते हैं, बोल देते हैं, तो फिर वो नहीं रहेंगे कि हाँ मुझे तो ये चाहिए था, मेरी तो ऐसी अपेक्षा थी मगर उसने ऐसा नहीं किया, तो फिर आपके क्लैशेस हो जाएंगे, अपसेट्स हो जाएंगे और प्रॉब्लम आएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है, 75 साल उन्होंने लोगों को फॉलो किया, और फॉलो करते करते बाद में जब उन्होंने स्टडीज किया तो मालूम पड़ा कि लोगों को जो हैप्पीनेस खुशियां मिलती है उसका बेस ही रिलेशनशिप है, और वो अच्छी रिलेशनशिप, बेस्ट रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में फेयरनेस बहुत जरूरी है, एक दूसरे को आप फेयरली ट्रीट कर रहे हो, अपेक्षा नहीं रख रहे हो, अपेक्षा है तो बोल रहे कि ऐसी अपेक्षा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है, जो चाहिए वो बोल रहे हैं मगर नम्रता से बोल रहे हैं, बहुत ही नम्रता से आप बोल रहे हैं, ये सब आपका इसका पालन करते हैं तो अपसेट्स नहीं होंगे, रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मिलेगा, लोगों से मिलेगा, अपना आत्मसम्मान लोगों से मिलेगा मगर आप जब देंगे तब, और लोगों से मिलने के लिए क्यों आपने तड़फड़ना है, मरना है भाई, आपका आत्मसम्मान आप ही कर सकते हो, आपको मालूम है कि आप है कौन, आपका क्या पर्पस है, आप क्या करने वाले हो, क्या आपको ये पता है कि आपकी लेवल क्या है। तो मैंने बार बार वैलिडेशन करके अपना आत्मसम्मान क्यों कम करना चाहिए, अपना सेल्फ एस्टीम क्यों कम करना चाहिए, लोगों को बार बार पूछ के, या लोगों को क्या लगता है मेरे रिश्ते कैसे, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ऐसा कह के मैंने क्यों कम करना चाहिए। मुझे क्लियरली मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है, मैं क्या करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है,
उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।